नमस्कार, आप देख रहे हैं आज मीडिया ग्रुप और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद दानिश। आपको बता दें, लगभग एक महीने पहले हमने एक खबर चलाई थी जिसमें जॉब के नाम पर लड़कियों को बुलाया जाता था और धोखे से सेक्स रैकेट का हिस्सा बना दिया जाता था। इस सेक्स रैकेट का खुलासा थाना मझोला एवं थाना सिविल लाइन पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा किया गया था, जिसमें 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जिला कारागार भेजा जा चुका है। तो वहीं कल दिनांक 26 नवंबर को थाना सिविल लाइन के होनहार और निडर ऑफिसर उप निरीक्षक सुधीर कुमार ने अपनी कमर कसते हुए ऐसे सेक्स रैकेट को चलाने वाले मुख्य आरोपी राणा शेख को दिल्ली से पकड़कर मुरादाबाद लाया गया है। आपको बताते चले, अभियुक्त राणा शेख उर्फ तारिक दास पुत्र अथर मुल्ला निवासी थाना विजय विहार जिला रोहिणी दिल्ली का रहने वाला है। राणा शेख उर्फ तारिक दास दिल्ली मुरादाबाद और आसपास के एरिया में लड़कियों को सप्लाई करता था और अनैतिक देह व्यापार का मास्टरमाइंड है। लेकिन थाना सिविल लाइन के उप निरीक्षक सुधीर कुमार ने जिस तरह से पिछले कुछ आरोपियों को पकड़कर जेल भेजा है, उसी तरह से इस केस में भी उन्होंने प्रशंसा योग्य काम करते हुए आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया है। आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम के नाम उप निरीक्षक सुधीर कुमार, हेड कांस्टेबल राजीव कुमार सर्विलांस सेल मुरादाबाद, हेड कांस्टेबल गजेंद्र सिंह, कांस्टेबल सुनील कुमार हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।